अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। मैं भी ठीक ठाक हूँ। फाइनली जी, वेलकम टू लिस्बन पुर्तगाल। तो जी मैं पहुँच गया हूँ। रात को वीडियो नहीं बना सका क्योंकि बड़ा बुखार हुआ हूँ। यकीन माने कि मैं निकला हूँ और बारिश वहाँ पे हो रही थी और बहुत गंदी सी कदर। आगे भी बड़े कुछ हुआ है, फिर तो नींद भी पूरी नहीं है। पर पहुँचो में दो दिन इधर लगाएंगे, एक दिन लिस्बन में और एक दिन देखते हैं लिस्बन से बाहर कहीं चले जाएँ। यहाँ पे बहुत कुछ है एंजॉय करने का, मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊंगा। अभी पहुँचे, पहला काम हम यही करेंगे कि यहाँ पे एक एरिया है देसी लोगों का, जहाँ भी इंडियन पाकिस्तानी सारे आपको मिलेंगे और यहाँ के बेहतरीन खाने मिलते हैं यार। तो मेरा पहला इरादा ये है कि मैंने नाश्ता देसी करना है यहाँ पर, क्योंकि यूरोप में हमें वैसे भी देसी नाश्ता जो है मिलता नहीं है। तो यही बेस्ट जगह है कि जाए नाश्ता करें। तो मैं अभी भी लिस्बन के एयरपोर्ट पर हूँ और यहाँ से अभी लेंगे मेट्रो निकलेंगे और जैसे ही पहुँचेंगे फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। आज पूरा सिटी जो है ना एक्सप्लोर करेंगे। नींद रात को ही होगी और कल सुबह फिर मैं इंशाल्लाह बताऊँगा कि कल सुबह यहाँ पे एक और सिटी है सिंतरा, पर अभी कंफर्म नहीं है तो वो फिर आप लोगों को मैं बताऊँगा। जो नए आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चले जी एक्सप्लोर करते हैं नए। फाइनली जो चीज़ ढूंढ रहा था तो मुझे मिला है यहाँ पे। इनके रेट कसम से बहुत कम है यार यहाँ पे, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, टेबल पे मैं आपको दिखा दूँ ज़रा, ये देख कर अच्छा मैंने जो ऑर्डर किया है ना, प्लेन दो नान किए, साथ में जो है दिल्ली निहारी और हलीम पाई नहीं, वो इनके अच्छी नहीं है, वो कल खाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी जगह यहाँ पे बांग्लादेश वाली ना, वहाँ पे फिर जाएंगे। तो अभी खाना आते फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर बैठे हुए लोग बीच वगैरह, पर गर्मी है इधर यार, मैं तो जैकेट पहना हूँ, मेरे तो पसीने निकल गए हैं इधर से। बिरयानी भी ठीक ठाक है, एक टाइम पर वो भी खाएँगे इंशाल्लाह। और फिर देखते हैं यहाँ के जो टिपिकल खाने और चीज़ें वगैरह वो अभी आप लोग खाते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं जब खाना आ जाए। अच्छा खाना पहुँच गया, यकीन मानो कि कसम से बहुत टेस्टी है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको मैं दिखा दूँ ज़रा निहारी, बल्कि इधर आपको मैं दिखाऊँ ये जिक्र। दूसरा है जी हलीम, साथ में ऑर्डर की है नान, पराठा एक ही की है, पराठा एक ही की है क्योंकि मुझे ज़्यादा नान पसंद है। इसके साथ टेस्ट करते हैं, स्पाइसी नज़र आ रहे हैं, पर यकीन माने ज़रा चेक करें क्या हलीम है यार। आपको यूरोप में अगर ऐसा मिले ना, ये चेक करेगा। आगे जो है ना निहारी को भी चेक करें, निहारी भी देखो गोश्त तो से गला हुआ है, निजी ना है निजी का बोगी, यकीन माने ज़रा सा अरे ये देखे ऐसे गला हुआ। बहुत ज़बरदस्त है यार कसम से, स्पाइसी है ये, निहारी तरह स्पाइसी बनाई है, पर ठीक है यार। पर यकीन माने जो रेट यहाँ पे दिए है ना, आप हैरान हो जाती हैं। निहारी मिली है 6 यूरो की, हलीम मिला है 5 यूरो का, रोटी 1 यूरो की,
अगर ये हम बिरजम और वहाँ पे खाएं ना कसम से ये एक 20 प्यूरो का एक प्लेट होता है। चले यार मैं बिस्मिल्लाह करके पूरा खाना ख़त्म करता हूँ, इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोर। अभी एनर्जी आएगी, नींद वैसी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, तो खाना खाएंगे तो मज़ा आएगा। ज़रा मिलते हैं थोड़ी देर में यार। बड़ा मज़ा आया, काम नहीं खाया, खाना हो गया, अभी मैं निकला हूँ। मैंने बोला पहले जो एरिया मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो मैं उधर ही वॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे आज है संडे तो शॉप्स वगैरह थोड़े से क्लोज हैं, पर काफ़ी चीज़ें ओपन हैं यहाँ पे। लोकल सिस्टम है जिस तरह हमारे होते हैं पाकिस्तान वगैरह। मैं लंदन में भी जाती हूँ, वहाँ पे तो खैर बहुत बड़ा छोटा सा पाकिस्तान उन्होंने बनाया हुआ है, पर यहाँ के भी ठीक ठाक है। मैं आपको ज़रा दिखा दूँ यहाँ के नज़ारे करवा दूँ। यहाँ पर यह कि गंदगी थोड़ी ज़्यादा होती है, पर आप देखें ज़रा शॉप्स यहाँ पर। वो नीचे रेस्टोरेंट पहले मैं आया था ना, वहाँ पर मैंने खाना खाया था। तो देखिए छोटे छोटे से शॉप जिस तरह हमारे लोकल चीज़ें वगैरह होती हैं ना, ये पाकिस्तानी शॉप है सब्ज़ी वगैरह का। देखिए समोसे भी मिल रहे हैं, वो मतलब ठीक ठाक चीज़ें इधर मिलती हैं। ये देखिए इधर पाकिस्तानी इंडियन और सारे मिक्स। बोजापुरी जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया वो मज़ा आया, और काफ़ी था यार। टोटल जो है ना मेरे 20 यूरो बने, पर ये चार नान हो गए हैं, निहारी हलीम, यकीन माने 20 तो हमारे वहाँ पे एक सालन की बात है। सो ठीक ठाक है यार। चले जी मैं अभी जा रहा हूँ आगे की तरफ। यहाँ पे एक पानी के पास एक जगह है, वो आपको दिखाऊंगा, और माउंटेन की तरफ एक है जी जी पॉइंट है, जो मेन चीज़ें जो आज देख सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आज एक्सप्लोर करें वो, फिर सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे दूसरी साइड पे, और परसों फिर निकलना है। तो मतलब ये है कि आज का दिन है हमारे पास और कल का दिन है, रात को नींद भी पूरी करनी है आज। यहाँ पे देखें लोकल शॉप्स वगैरह। चले जी निकलते हैं सीधा सीधा इधर से पहले। अच्छा जी, लोकल मार्केट के आगे आया हूँ, तो यहाँ पे आपको मैं दो चार चीज़ें दिखाऊँ। एक तो यहाँ पे है स्टैचू जो किंग था, किंग जोन उसकी स्टैचू, और काफ़ी पॉपुलर है। ये देखें ज़रा, ये बिल्कुल जो है ना लोकल मार्केट के पास है। एक और चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी थी, यहाँ पे है जैसे सर हमारे होते हैं रिश्का टिकटॉक, अलग अलग नाम सब लेते हैं अगर आपने ट्रिप लगाना है, एक ये चीज़ है। दूसरा जो है यहाँ पे आने वाला है बस। नॉर्मली अगर मैं विज़िट करता हूँ किसी कंट्री सिटी में, लाजमी है कि मैं वहाँ पे बस लेता हूँ, या जो है बोट अगर वहाँ पे सिस्टम होता है, क्योंकि वो आप लोगों को सारी जो मेन एरिया होती है ना, जो मेन जगह होती है वो आपको दिखाते हैं, और उसी से अंदाज़ा होता है। तो 15 फिर उस लिस्बत जो है ना, पर आज हमारा एक दिन का ट्रिप है यहाँ पे, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो चीज़ें आप देख सकते हैं वो आप लोगों को दिखाऊँगा। एक यहाँ पे ये बस है, आपको ये दिखा दूँ। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, यहाँ से अभी नज़र भी आ रहा है, ऊपर है कासल, ये पहाड़ी सी है जो घर बने हुए हैं, ऊपर है कासल, हमने जाना है वो कासल। मैं आपको दिखा दूँ ज़रा, यहाँ से अगर नज़र आ रहा हो आप लोगों को, यहाँ पर चेक करें, ये काफ़ी ऊपर जो है ना चलना पड़ेगा। हमने जाना है कासल, दिन में एक्सप्लोर करेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये है जी बस, पर बस के जो है हम टूर नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले मैं देख चुका हूँ, मैं भी पहले भी आया हूँ लिस्बन काफ़ी तरह, उसने वीडियो नहीं बनाई थी, तो इस बार मैंने बोला क्यों ना वीडियो बना के थोड़ा जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ज़रा वीडियो दिखाएँ।
तो निकलते हैं इधर से क्योंकि अंधेरा होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और ये काफ़ी ऊपर जाना है, और कुछ चीज़ें हैं जो सिटी से बाहर है थोड़ी सी, वो भी जाके एक्सप्लोर करेंगे। चले जी स्टार्ट करते हैं जर्नी, जो नए हैं सब्सक्राइब शेयर करें और चले जी। अच्छा ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया है, यकीन मानिए पसीने निकल गए। यहाँ पे देखें छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, इधर से होके जा रहे हैं हम, थोड़ा सा ऊपर आए हैं अभी, पता करें इधर किस साइड से जाने। मुख्तलिफ मतलब कि घर हैं यहाँ पे पिंक पिंक के। आधे तक तो पहुँच गए हैं, अभी और ताकत नहीं है तो इधर थोड़ा थोड़ा सा वेट करते हैं। कसम से पहाड़ जैसा है यार, पर है प्यारी जगह, आना चाहिए क्योंकि लिस्बन में मेरे ख्याल से ये सबसे मेन चीज़ ही है कासल। ऊपर से जो है देखेंगे, वो देखें इधर से भी चीज़ें नज़र आ रही है एक्चुअली। एक ये वो स्टेचू क्रॉस वाला, वो जो बंदा खड़ा होता है, और ब्रिज हाउस, अभी हम नीचे ही हैं इतना ऊपर नहीं गए, तो वो ऊपर कासल है। और यहाँ पे इन्होंने बैठने की जगह बनाई है प्यारी सी। चले यार निकालते हैं थोड़ा सा पसीना और आगे जाते हैं, करके आएंगे यार पहाड़ की तरह सीढ़ियाँ हैं कसम से, इतना ऊपर आए हैं ये देखो, और नीचे चेक करो ना तो वो उधर। चलें जी आखिरी सीढ़ियाँ कर सकते हैं वैसे भी हम, इसके बाद नीचे उतरेंगे वो इजी होगा। जी फाइनली पहुंच गया मैं, पर है अच्छी जगह, जब पहुंचते हैं ना तो मज़ा आता है। मैंने एक यहाँ से ड्रिंक लिया है थोड़ा सा खोल होने के लिए लेमन का, पर व्यू बहुत प्यारी है यार। यहाँ पे चेक करें ज़रा, यहाँ पे भी देखें ज़रा लोग इधर जो है ना वो रिश्को वगैरह से जो टूर होता है ना लगा के आते हैं यहाँ पे, चेक करें ज़रा। और इन्होंने थाली भी लगाई हुई, अभी यहाँ से जाएंगे, एक ये वाला कासल है, एक वहाँ पे कासल है, देखते हैं जितने भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि मसला ये है ना कि अगर हम दोनों कासल करेंगे आज तो हमारा दिन पूरा इधर ही गुजर जाएगा, और अभी बहुत कुछ देखना है। देखते हैं क्या कौन से इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं इसी साइड की तरफ। वेदर अभी भी ठीक है, गर्मी लगी है, जैकेट निकाल दिए, मौसम बहुत प्यारा है यहाँ पे, यकीन माने मैं तो खुश हूँ क्योंकि वहाँ से जब निकल रहे थे बारिश थी और मौसम भी इतना अच्छा नहीं था। चले मैं इधर चिल करता हूँ, यहाँ पर सारा ड्रिंक शिंक लीजिए वो पीता हूँ, फ्रेश होते हैं और फिर इधर से निकलते हैं। अच्छा दूसरी जो कासल मैंने बताया था उधर भी आया हूँ, पर यहाँ भी मतलब ये है कि इन्होंने सारा कुछ बंद किया हुआ है। ये देखिए ज़रा, सिर्फ एक ये जगह इन्होंने ओपन रखी है, यहाँ से लोग जा रहे हैं और ऊपर से व्यू देखते हैं, वो तो इधर से भी आ रहा है, यहाँ पे भी व्यू सिस्टम है। ये दोनों जितने भी मैं गया ना ये सारे वाली फ्री वाले थे ना, अब यहाँ पर एक और कासल है वो देखना है। हाँ यहाँ से बहुत मज़े का है वो, अभी लास्ट वाला ये कासल है और उसके बाद नीचे जाते पानी की तरफ। पसीने छोड़ा दिया यार ये कासल ने कसम से आज तो। अच्छा जी मैं पहुँचूँ, ये फाइनल वाला कासल है, यहाँ पे ज़रा दिखा दूँ आपको,
ये बाहर से है, इस तरह का बना हुआ है, बहुत पुराना 1846 का। ये सामने एंट्री है, चलिए अंदर जाती हैं, ज़रा चेक करते हैं क्या किस्सा है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इधर, फिर नीचे जाती हैं क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है और थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए। मैं बोल रहा था कि पानी की साइड पे जाऊँ ना समंदर, तो थोड़ा सा छेल करें ज़रा। ये देखिए ज़रा इंटरेस्ट, ज़रा चेक करें, अच्छा मैं पहुंच तो गया हूँ और यहाँ पे बहुत ही बड़ा लाइन है यार, कसम से। इधर देखें ज़रा, वो नीचे से स्टार्ट होता है, हमारा मुश्किल है अगर बारी आई तो। और ये है भी टिकट में 15 यूरो का, पर इतने लाइन में हम खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पे इस तरह करेंगे कि यहाँ पे ये प्यारी प्यारी सी गलियाँ इन्होंने बनाई हुई, अंदर मार्केट भी घूमेंगे थोड़ा सा और कसकेंगे, यहाँ से निकलेंगे पानी की तरफ जाएंगे, बस थोड़ा सा छिल फिर करेंगे, नीचे देखते हैं फिर वो जो चार जो मेन चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। चले आए ज़रा इधर, आप लोगों को ज़रा दिखाऊं। अच्छा ये इनकी जो है ना बहुत मशहूर पेस्ट्री है, पॉपुलर यहाँ की। सेंटर है वहाँ पे, और ये जो है ना लिस्बन की सबसे बेस्ट जगह जो होती है ना वो वाली है। अच्छा इधर आप लोगों को मैं दिखाऊं, यहाँ पे काफ़ी कुछ है, समंदर हो तो आप पीछे देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हम जाते हैं वो पॉइंट पे ना जहाँ पे सारे इंजॉय करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये सामने ज़रा चेक करें, बाकी थोड़े नज़दीक जाते हैं, आ जाएँ आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, ये जो मोन्यूमेंट वगैरह है यहाँ पे, ये और वो जो वहाँ पे स्टेचू था किंग का, उस तरह का यहाँ पे एक और है। फिर इन्होंने गेट सा बनाया हुआ है ना, इसको ये कासा वो बोलते हैं, सेंटर मॉल। तो यहाँ से जो आप इंटर करते हैं तो आप सेंटर में इंटर होते हैं। और जो इस साइड पे जगह है पानी वाली, यहाँ पे इन्होंने बताया यहाँ पे भी लोग बैठते हैं। पानी की उस साइड भी दो तीन चीज़ें हैं, पर वो भी नहीं जा सकते क्योंकि अभी टाइम नहीं है, और वैसे भी बहुत थके हैं आज, आज पहाड़ों पे चढ़ेंगे तो रेस्ट करेंगे। अभी तक मैं रूम भी नहीं गया, तो आप लोग को रूम भी ज़रा दिखाऊंगा, वहाँ पे भी जाएंगे। चले पहले आपको ये दिखा दूँ ज़रा, best places in the city of Lisboa. There are three places, we have three places. One is Belém Tour. Here you can see about four monasteries, four monuments. One is first is the Belém, and there's monastery that's called Germanos, and the Belém Tower and the Discovery Monument. Four place is about 10 kilometers away from here. Achoo. Okay, you see that red golden bridge over there? Yeah. It's about after the bridge. Okay. And after then we have the one of the oldest city tour, which is for the highest. And how much you charge for these? For this, it will probably it will be about 1 hour and 30 minutes, and we charge for the time. How many hour you want to do? 1 hour or 1.5 hour or 2 hours? It depends on the time. Okay. 1 hour will be how much? For 1 hour, it will be not be possible in 1 hour. In 1 hour, this places will be possible for 1 hour. We want the highest place. Okay. Yeah. And Lisbon is Portugal is known as one of the seven hills. Okay. Yeah, and but I went only to this area, to the top. This area. Then here we have Bahr Alto. It's on the lower ground. Mm-hmm. You see the São Pedro Alcântara, Estrela Church, one of the richest churches, and Marcos Pombal, and there is Edward VII Park. This all we can see here in this park, and this is for the same. It can be completed in 1 hour. And how much is it? 1 hour. How many person are you here? Two. Two persons. For 1 hour, I can give you base price of 70 euros for 1 hour. But my company price is like 100 for 1 hour. For only two people, I can give discount for 30%. That's why I make it 70 euros for 1 hour. And I'll show you every single place, and I can stop at every single place, and I'll give a 5-10 minutes a break to go and check out the views, check out the monuments, everything at all. Thank you. Okay. Yeah.
Tomorrow maybe, because today I'm really tired with everything. If you want to do two, then you can just in my WhatsApp number as well. Okay. Yeah, but I'll come here. Yeah, if you do right now, then I can make you up to like... Right now, not. Because I need to just walk around a little bit and then go to Childress. Thank you. Let's go. अच्छा मैं आ गया हूँ स्क्वायर में ना, आप लोगों को दिखाऊँ ये मेन जगह है लिस्बन में, और जिधर भी आप देखेंगे अगर लिस्बन लिखी भी आप गूगल में ना तो आपको जो नज़र आएगा यही होगा। अच्छा यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये दिखाई देना, ये स्क्वायर है और यहाँ पे ये मोनूमेंट है चारों तरफ से, और ये इनका मेन है ना। यहाँ से जब आप इंटर होते हैं तो आप सेंटर में चले जाते हैं जहाँ पर जो है ना रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे होते हैं, और यहाँ पर ये देखिए वो छोटा सा ट्रेन जो होता है जो लोग इंजॉय करते हैं वो भी यहाँ पे रुकता है। सारे तकरीबन जिधर भी आपने अगर जाना हुआ ना वो यहाँ से ज़्यादातर आप बस वगैरह ले सकती हैं, मेट्रो वगैरह। निकलते हैं इधर से आगे, नेक्स्ट जो है ना वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ जी। यहाँ पे एक मार्केट है इंडोर, वहाँ पे खाना शाना और उसका क्या नाम है ड्रिंक्स वगैरह हो गए हैं, और एक और चीज़ है इसको पिंक स्ट्रीट बोलते हैं, इन्होंने पूरा जो है स्ट्रीट को पिंक किया होता है, तो देखते हैं अगर वो अभी भी है तो चलें जी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये हर जगह पे, आपको पता है ना एक सिटी में एक स्ट्रीट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ये वो भी वाला है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, काफ़ी दूर तक सारे शॉप्स वगैरह यहाँ पे हैं और बहुत बिजी है, और सारा कुछ यहाँ पे सेल करते हैं, नज़र आता है आपको। अब पुर्तगाल आए तो रोनाल्डो को मिल के ही जाएंगे, तो यहाँ पे रोनाल्डो भी आपको दिखा दी, जरा रोनाल्डो चेक करो तो। अच्छा अभी पहुँचे हैं पिंक स्ट्रीट, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। पिछली बार मैं आया था तो बहुत बारिश हो रही थी, तो इस स्ट्रीट में ये है कि यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं ना, ये वो किस्सा यहाँ पे होता है सारा कुछ। यहाँ पे देखें इन्होंने जो स्ट्रीट है ना इसको पूरा पिंक किया हुआ है। आगे जाते हैं इधर से, इससे आगे जो है वो जो मैं आपको बता रहा था ना जो इंडोर मार्केट है वहाँ पर वो वाला, वो काफ़ी मशहूर है, वहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं, तो अभी उधर जाएंगे। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे पैंट शेंट किए हुए हैं, यहाँ देखिए तरफ, और अम्ब्रेला आपको मैं दिखाऊं ज़रा, ये देखें चेक करें ज़रा।
आज मैं पहुंच गया हूं जो मार्केट में बता रहा था ना, ये वो मार्केट है इंडोर है, आपको नज़र आ रहा होगा छत। और यहां पे अभी जो है ना टाइम है, फिर भी इतने सारे लोग हैं कि नज़र देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है। ये जगह है जहाँ पर जो है ना आपको खाने मिलते हैं सही दबा के। मसला सिर्फ ये है कि हमें जो खाने मिलते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलते, यहाँ पर ज़्यादातर हराम ही होता है और ड्रिंक्स वगैरह या जो भी हैं, पर यहाँ पे सही ठीक ठाक चीज़ें मिलती हैं। अगर आप वेजिटेरियन वगैरह खाते हो फिर तो ठीक है, उसका फिर भी चांस है। जी मैं आ गया हूँ रूम में, बहुत ही थका हुआ हूँ। तो मैंने बोला आप लोगों को पहले रूम दिखाता हूँ फिर ये व्लॉग को ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो मैं रूम में आ चुका हूँ, मैं आपको दिखा दूँ रूम मैंने बुक किया था। यहाँ पे था जी बाथ का टप, वो जो होता है जिसमें बंदा पानी भर के ना सोता है, थोड़ा छिल करता है। तो मेरा इरादा यही था क्योंकि नींद मैंने नहीं की थी वहाँ पर, आपको पता है मैं रात में निकला था, तो मैंने बोला था इधर आके छिल करूँगा। बस मसला ये हुआ कि वो जब मैंने बुक किया उनके बाद ये बोल रहे थे कि नहीं ये वो रूम है ही नहीं, और फिर मैं कैंसिल ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरी जो रिजर्वेशन थी वो कैंसिल होने वाली नहीं थी। चलो मैं आप लोगों को रूम पहले दिखा दूँ। तो ये है इनका किंग बेड, एक ये बेड ही जो है मुझे सही लगा है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। एक टेबल दिया है क्लोथ्स के लिए है, और यहाँ पर ना व्यू, यहाँ पे भी ये बोल रहे थे ये कि ये वहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं। ये हो गया जी बाथरूम, ये ओके है। यहाँ पे इन्होंने वैसे ही शोकल लगाया हुआ है, सिंक का छोटा सा जगह बनाई हुई है, और बाथरूम तो इन्होंने वैसे ही देखें, यकीन मानिए कि इन्होंने सही शोकल लगाया। पता है पुर्तगाल में ये मसला है, मैं पिछली बार भी आया हूँ यहाँ पर, लोगों ने अपने घरों में ना अपनी घरों में बनाए हुए हैं होटल से, मतलब स्टूडियो वो, और जो फ़ोटो ये शिकाते हैं ना आप लोगों को booking.com या जिधर भी ना, यकीन माने शुगल ही होता है वैसी। जो भी है चलो जी अभी हो गया है, अभी इस व्लॉग को इधर फिनिश करते हैं क्योंकि मैं काफ़ी बहुत थक गया हूँ जी, और निकलते हैं यहाँ से सुबह इंशाल्लाह, मिलते हैं नए ट्रिप के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।